वहीं रामलीला का मंचन कराने के सरकार के फैसले के बाद अब प्रदेश की राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई है। प्रदेश के आदिवासी नेताओं का अब ये मानना है कि आदिवासी हिंदू नहीं थे, ऐसे में बीजेपी रामलीला के जरिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। देखिए, आदिवासी इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान तैयार है। ऐसे में इससे बाखबर कांग्रेस ने भी जवाबी पलटवार करना शुरू कर दिया है। रामलीला के मंचन कराने के फैसले के बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार की माने तो आदिवासी कभी भी हिंदू नहीं थे। कांग्रेस की माने तो भगवान राम वनवास जाकर आदिवासी हो गए, वो किसी के भी आराध्य हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आदिवासी हिंदू हों। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आदिवासी कई सालों से रहते आ रहे जंगलों में, तो उनके धर्म को क्यों आप परेशान करो? उनको जंगल में सुरक्षित है, गांव में रह रहा सुरक्षित रहने दो, क्यों उनको धर्म की राजनीति में डालते हो? आदिवासी आदिवासी है, हिंदू नहीं है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। पूर्व मंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार आदिवासियों को अगर कुछ देना ही चाहती है तो आदिवासी इलाकों का विकास करे। रामलीला कराने से आदिवासियों को न पीने का पानी मिलेगा और न ही उन इलाकों का विकास होगा। सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी वोटों की राजनीति कर रही है। मेरा तो कहना है कि भगवान राम तो वनवासी हो ही गए थे, जब वनवास गए थे तो उस आराध्य पुरुष सभी के हो सकते हैं, लेकिन उसको अगर आदिवासियों से जोड़ के रामलीला कराना, मुझे समझ में नहीं आता। आप उनके आदिवासियों के बच्चों की पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हो, उनके विकास की बात नहीं कर रहे हो, उन वो कैसे आज परेशानियां उस आदिवासी क्षेत्र में पीने का पानी नहीं है उसकी बात नहीं करो। रामलीला से क्या पीने का पानी मिलेगा? क्या बच्चों का विकास होगा आदिवासियों का? हालांकि बीजेपी ने पूर्व मंत्री के बयानों को सिरे से नकारते हुए कहा कि रामलीला का मंचन हमारी परंपरा का हिस्सा है और लंबे समय से रामलीला का मंचन होता रहा है, ऐसे में कांग्रेस को क्या दिक्कत है? देखिए, भगवान श्री राम किसी जाति पंथ मजहब के नहीं, किसी क्षेत्र विशेष के नहीं, किसी वर्ग विशेष के नहीं, राम तो सबके थे, सबके हैं, सबके रहने वाले हैं। राम तब के भी थे, राम अब के भी हैं। राम बनवासी केवट के हैं, राम बनवासी सबरी के हैं, राम बानर सेना के हैं। राम उस समय बनवास के दौरान कंदराओं गुफाओं से निकले हुए तमाम आदिवासी वर्ग बंधुओं के रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के राम हैं या नहीं हैं, ये सबूत कांग्रेस के नेता जरूर दे देते हैं। अगर रामलीला का मंचन विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है और आज से नहीं आज़ादी के पहले से भी लगातार किया जाता रहा है, इन कांग्रेसी नेताओं के पेट में दर्द क्यों होता है, दिमाग में दर्द क्यों होता है? केवल वोट के लालच में ये इस प्रकार का अलगाव बंटवारा राम के नाम पर क्यों करते हैं? राम के आदर्श, राम की मर्यादाएं, राम की प्रेरणा हर एक के लिए उतनी ही है जितनी किसी एक के लिए। मुझे लगता है कि इस पर राजनीति ना करें तो अच्छा होगा। बहरहाल, प्रदेश में रामलीला के मंचन कराने के सरकार के फैसले के बाद एमपी की सियासत में राम नाम की फिर एंट्री हो गई है। ऐसे में देखना है कि राम नाम पर शुरू हुई ये सियासत आगे क्या लीला दिखाती है। इस रामलीला आयोजन के जरिए बीजेपी आदिवासी वोट बैंक पर ध्यान दे रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से सियासत कर रही है क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं थे। अगर बीजेपी को कुछ करना ही है तो आदिवासी इलाकों में विकास की बात करे, ना कि धर्म की। आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी के इस योजना से उन्हें कितना फायदा होता है और आने वाले चुनाव में क्या आदिवासी वोट बैंक बढ़ता है या नहीं। वीरियल सीमांचु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज टेक, भोपाल। वहीं देखिए, एमपी में रामलीला के मंचन के फैसले के बाद कांग्रेस और बीजेपी में आखिर इतनी क्यों ठनी है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में रामलीला का मंचन, आयोजन कम, वोट बैंक ज्यादा, आदिवासी वोट बैंक पर सबकी नजर। एमपी आदिवासी बाहुल्य राज्य है। प्रदेश की विधानसभा में बहुमत का गणित तय करने में आदिवासी सीटें निर्णायक होती हैं। प्रदेश के 230 सीटों में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो इन सीटों पर कब्जा पाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी लगातार कोशिश में लगे रहते हैं। आने वाले 2023 के आम चुनाव को लेकर भाजपा अभी से सतर्क हो गई है
और इसी का नमूना आप देखें कि संघ और उनके अनुसांगिक संगठनों की अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में सक्रियता काफ़ी बढ़ गई है। अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में आदिवासी बच्चों से रामचरितमानस का पाठ कराया जा रहा है, रामायण का मंचन वो कर रहे हैं। अगर पिछले 3 बार के चुनावों पर नजर डालें तो आरक्षित आदिवासी सीटों पर 47 में से 17 सीटें साल 2008 में कांग्रेस को मिली, जबकि 29 सीटें बीजेपी को हासिल हुई और अन्य को 1 सीट मिली। वहीं साल 2013 की बात करें तो कांग्रेस को 15 और बीजेपी को 31 सीटें मिली और अन्य के खाते में 1 सीट गई। साल 2018 में कांग्रेस को 31 सीटें मिली और बीजेपी को 16 से संतोष करना पड़ा। 2018 के चुनाव परिणाम 2013 के एकदम विपरीत थे और इस बार कांग्रेस ने प्रदेश में 15 साल बाद सरकार बनाई थी। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो साल 2008 में 34.15% कांग्रेस को वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को 37.33% वोट मिले। साल 2013 में कांग्रेस को 34.98% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 42.62% वोट मिले।